जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में भी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी या अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें साहित्य को पढ़ना चाहिए, आज इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने पिछले 10 सालों में, चाहे वो झारखंड का एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, यूपी का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का एग्ज़ाम हो, संपूर्ण उत्तर भारत के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी खास करके जो पीजीटी और टीजीटी, साथ ही यूजीसी नेट, इन सब के एग्ज़ाम अगर आप हिंदी साहित्य से देना सोच रहे हैं तो बहुत पैटर्न में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। मैंने पिछले 10 साल के अध्यापन अनुभवों से देखा है कि अब धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रकृति बदल रही है। तो हमारा पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें साहित्य को किस तरह पढ़ना चाहिए, आज उसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जो प्राचीन परंपरा रही है वो परंपरा अब उपयोगी नहीं है। समय के साथ उन परंपराओं को त्यागना ही पड़ेगा। अब कहोगे प्राचीन परंपराएं क्या है, पुरानी परंपराएं क्या है, तो पहले हम लोग देखते थे कि साहित्य को पेज बाय पेज पढ़ लेते थे और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव नोट्स निकाल के लिख लेते थे। अगर आप नगेंद्र का बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप बच्चन सिंह का बुक पढ़ रहे हैं, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बुक पढ़ रहे हैं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह पढ़ते हैं। आप अगर ये काम कर रहे हैं कि बुक को पढ़ रहे हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। आप सिर्फ फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, उसके मर्म को आप समझ नहीं रहे। पहले नंबर तो आप चाहे जो कुछ भी पढ़िए, हर बुक अपने जगह महत्वपूर्ण है। एक तो आप जल्दीबाजी में मत पढ़िए, यह नियम मत बनाइए कि हमें 5 दिन के अंदर बुक खत्म कर देना है, हमें 8 दिन के अंदर बुक खत्म कर देना है। हमारा अप्रोच होना चाहिए कि अगर 2 पेज पढ़े हैं तो उन पेज से हम समझेंगे क्या। अगर शुक्ल की बुक आप पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या आप शुक्ल के बुक को लाइन बाय लाइन समझते हैं कि शुक्ल जी अपने बुक में कहना क्या चाहते हैं, उनका अप्रोच क्या है सिद्ध साहित्य के प्रति, उनका अप्रोच क्या है नाथ साहित्य के प्रति, उनका अप्रोच क्या है जैन साहित्य के प्रति, आखिर शुक्ल जी रासो साहित्य के बारे में कहना क्या चाहते हैं, या भक्ति काल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, रीति काल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बिहारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, या छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी, कहना क्या चाहते हैं। तो जब भी बुक आप पढ़े, सिर्फ फैक्चुअल पे मत भागे। फैक्चुअल से काम अब नहीं बनता है, खास करके अगर NTA द्वारा आयोजित अगर UGC का एग्जाम देना चाह रहे हैं, नेट का, तो फैक्चुअल से अब बिल्कुल काम नहीं बनेगा। अब आपको हर पहलू को समझना पड़ेगा। पुरानी परंपराओं के तहत आप रट्टा मारते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य बता दो या भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बता दीजिए, तो आप उसे रटने का प्रयास करते हैं। और ये जो पुरानी परंपराएं हैं पिछले 1000 सालों से कि रट्टा मार लो, लेकिन ये रटे हुए चीज आपने भी महसूस किया होगा, ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता है। अब आप ही कहोगे कि सर अगर रटेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या। तो दोस्तों, अब साहित्य भी साइंस बन चुका है। खासकर मैंने साहित्य को पूर्णतः साइंस बना दिया है, साइंटिफिक बना दिया है। आप साहित्य को चुटकियों में टिप्स पर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, संपूर्ण साहित्य आपके टिप्स पर हो सकता है।
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप फ्री क्लास लेकर 8 से 10 दिन देखो। हम हर बच्चों का 1 वीक फ्री क्लास देते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो बच्चे जो है 4 साल 5 साल एक सिंपल नेट सिंपल डिजिटी पीजीटी निकालने के लिए बर्बाद कर देता है, लेकिन वह अपने रास्तों को नहीं बदलता है। मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहूंगा, मैं अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से और खासकर मैं खुद 3-3 सब्जेक्ट में जियारफ किया है, हिंदी में, हिस्ट्री में, बुद्धिज्म में, हमने 2-3 नौकरी केवीएस का 2-2 3-3 बार लेकर के छोड़ दिया है। फिर मैंने अनुभव किया कि कितने दिनों में पीजीटी निकाला जा सकता है, कितने दिनों में टीजीटी निकाला जा सकता है और कितने दिनों में आप यूजीसी नेट के रिजल्ट ले सकते हैं। इन सब के लिए 6 महीना पर्याप्त समय होता है। अगर 6 महीने की जगह आप 6 साल दे रहे हो, सालों साल दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी रणनीति में कमियां हैं, कहीं ना कहीं पढ़ने का स्टाइल में कमियां हैं, कहीं ना कहीं सोचने की शैली में कमियां हैं। उन कमियों को दूर करना है दोस्तों। जब चाहे आप कहीं भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूं किसी भी बच्चे को आप मेरे पास पढ़ो, मैं तो बस कहता हूं आप 1 वीक ट्रायल क्लास लो, कोई फी नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहां से लेना है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको क्लास मिलेंगे। आप खुद में परिवर्तित देखोगे, खुद में बदलाव देखोगे, आप खुद सोचोगे कि हमारा 5 साल 10 साल की पढ़ाई एक तरफ और ये 8 दिन की पढ़ाई एक तरफ होगा। सिर्फ एक टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक मेरे पास आपने पढ़ लिया तो ये तभी आएगा जब आप अपने आप को, जो आपने ज्ञान के जो चक्षु है उसे बंद कर लिया है। जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, आपने अपने अंतर मन को बंद कर लिया है, अपने बाह्य स्रोतों से कुछ सीखना नहीं चाह रहे हो, आप जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो कि नया स्ट्रेटजी नहीं लगा रहे हो, बार बार असफल हो रहे हैं फिर भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बार बार रट्टा मार के हम फेल हो रहे हैं फिर भी हम उसी रास्ते पे निकल पाते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये रास्ता उचित है या नहीं। दोस्तों, व्यक्ति वही महान होता है या स्टूडेंट वही तेज होता है जो दूसरों के असफलता के कारण को जानकर फिर उस कारण को खुद नहीं दोहराता है, खुद आगे बढ़ जाता है। समय बहुत मूल्यवान है। अगर आप एक छोटा सा नेट का एग्जाम पास करने के लिए 4 साल लगा देंगे तो आप सोचो कितना आपने बर्बाद कर दिया। जिस एग्जाम को निकालने के लिए 6 महीने चाहिए थे, उस एग्जाम में आपने 4 साल दे दिया, उसके बाद भी नहीं हुआ। अगर आप अच्छी जगह ज्वाइन कर लेते, कहीं कोई ज्ञान को अर्जित कर लेते, आप कम से कम इन 4 सालों में सिर्फ JRF 15-20 लाख कमा लेते। 5 साल में मिनिमम JRF अब मिलता है अराउंड 20-25 लाख रुपया। ये 20-25 लाख के स्टूडेंट के लिए कम नहीं होता है। मैं अपने ही बच्चों को देखता हूं कि वो बच्चे जब पास करते हैं तो उनके चेहरों पर कितनी खुशियां होती है। आखिर क्यों पास करते हैं? वो इसलिए पास करते हैं, वो अपनी रणनीति में बदलाव लाया है, अपनी सोच में बदलाव लाया है, अपने पढ़ने के शैली में बदलाव लाया है, तभी उनका रिजल्ट हुआ है। आप भी बदलाव लाइए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने पैर पे दोस्तों खुद कुल्हाड़ी मत मारो, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी हो या नेट हो, इन सबको पास करना बहुत आसान है, बशर्ते कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, हमारा रास्ता सही हो, हमारी रणनीति सही हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।